आईपीएल 24 से पहले एक बार फिर से क्रिकेट जगत में मची खलबली। रोहित शर्मा बनेंगे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की टीम को कहा अलविदा। जी हां दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरी खबर, साथ ही रोहित शर्मा कब बनेंगे दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान, बताएंगे आपको सब कुछ आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी रोहित शर्मा को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन मंगलवार 19 दिसंबर को किया जाना है। लेकिन इससे पहले लगातार मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के लिए जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। दरअसल मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को आने वाले सीजन के लिए अपनी टीम का कप्तान बनाया है। इससे पहले हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान थे। हालांकि गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर अपने खेमे में शामिल कर लिया। वहीं दूसरी ओर टीम को 5 बार आईपीएल का खिताब जिताने वाले रोहित शर्मा को बेवजह कप्तानी से हटा दिया गया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटाए जाने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। फैंस लगातार रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा के साथ बात कर ली है और 19 तारीख को होने वाले आईपीएल 24 के ऑक्शन के बाद एक बार फिर से ट्रेड विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके जरिए कोई भी खिलाड़ी किसी भी फ्रेंचाइजी में जा सकता है और किसी भी टीम का हिस्सा बन सकता है। अंदर की खबर माने तो रोहित शर्मा ने मुंबई की फ्रेंचाइजी को छोड़ने का फैसला बना लिया है। वैसे भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार ऋषभ पंत की चोट के चलते कप्तान की तलाश में है और दिल्ली को भी अपनी टीम के लिए एक कप्तान की जरूरत है। वैसे में रोहित शर्मा हमें दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।